नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क। उत्तराखंड में भाजपा के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, एक ने उत्तराखंड की जनता को सालों तक लूटा तो दूसरी पार्टी उत्तराखंड को तबाह करने आई है। कांग्रेस के चार धाम चार काम को लेकर भी पीएम ने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में ये दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता सैर सपाटे के लिए उत्तराखंड आते थे, लेकिन टूरिज्म चार धाम की याद तब इन्हें नहीं आई। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी मोदी खूब बरसे। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड के लोगों को बेसहारा छोड़ दिया था। कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहाँ आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे, ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा, 2007 से 2014 तक उत्तराखंड कांग्रेस के एक रसूखदार नेता केंद्र में मंत्री थे, लेकिन वह उत्तराखंड की सेवा के बजाय एक परिवार की ही सेवा में मुग्ध थे। कांग्रेस के नेता, यूपीए के नेता दिल्ली सरकार में बैठे थे और आप ही के उत्तराखंड के एक नेता, उस जमाने में तो बड़े रसूखदार नेता, यहां मंत्री थे। 2000 से 2014 के दौरान उत्तराखंड में सड़कें बनाने के लिए, याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है, और उसी के तजे तराजू पे तोलिए जब उनकी सरकार थी और आपके उत्तराखंड के एक नेता उस सरकार में यहां मंत्री बैठे थे, परिवार की सेवा में लगे थे। पीएम ने कहा, मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन दिल में उत्तराखंड है। वोट देने जाए तो याद रखिएगा, नैनीताल के पर्यटन को गति मिलेगी। उत्तराखंड के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में बल मिला है। पीएम ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल के हनुमानगढ़ी को भी रोपवे से जोड़ेंगे।